ये इस ट्रैक की काफ़ी मुश्किल चढ़ाई है और इसे हम पार कर रहे हैं। आरव को नींद आ रही है, मंदिर के गेट पर पहुंच गए हैं। सामने की तरफ देखिए और यहाँ से काफ़ी ऑसम व्यू है। देखिए यहाँ पर देखिए हम सूफी मैगी बना रहे हैं, काफ़ी खुशबूदार मैगी में मेथी डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जानवरों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें, बेजुबान ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी समझदार हैं। वेलकम टू हिमालयन ग्लाइडर, आज मैं हूँ बधानगढ़ी टेम्पल में। बधानगढ़ी टेम्पल चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये ग्वालदम से ताल पड़ता है आगे, ताल से एक रोड कटती है ऊपर के लिए बीनातोली के लिए। हम अभी हैं बीनातोली में, बीनातोली तक ही गाड़ी का सफ़र है आपका। बीनातोली से आपको ऊपर के लिए ट्रैक करना पड़ता है। सामने की तरफ देखिए आप, यहाँ पे छोटे मोटे ढाबे वगैरह हैं और हमें यहाँ से ऊपर की तरफ मंदिर के लिए जाना है। सामने की तरफ से देखिए गाड़ियों के पार्किंग के लिए यहाँ पे स्पेस बना हुआ है। नतोली से बधानगढ़ी टेंपल के लिए ट्रैक कर रहे हैं ऊपर के लिए। देखिए यहाँ से मंदिर की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की है। जो सामने आपको विलेज दिख रहा है वो है छत्यानी मचकोट। जंगलों में आग लगे होने की वजह से विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। आ रहा हूँ यहाँ पैदल आ रहा है चढ़ाई में, देखिए चलो बेटा काफ़ी जोश के साथ। जय माता की। गाइज़ यहाँ पे आसपास के जंगलों में आजकल आग लगी हुई है, उसकी वजह से वेदर थोड़ा क्लियर नहीं है। देखिए आप विजिबिलिटी कम है, वरना यहाँ से हिमालय का व्यू काफ़ी साफ दिखता है। जी की तरफ का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग। आरव को देखिए यहाँ पे पैदल चल रहा लगातार। गाइस यहाँ पे टेंपल के लिए रास्ता पक्का है और जगह जगह पे सीढ़ियाँ हैं, रास्ते में बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको। देखिए आप बहुत थक चुके हैं और पहला स्टॉपेज हमने यहाँ ले लिया है। देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। गाइस अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, घर से हम चाय लाए हैं तो यहाँ पे एक गुड़ वाली चाय पी रहे हैं आप देखिए। इन हसीन वादियों में चाय की चुस्कियों का अपना ही मज़ा है। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारे और गुड़ वाली चाय, इसमें चाय में है तुलसी मेथी। आ रहा हूँ यहाँ पर दलिया खा रहा है। देखिए आ रहा हूँ कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है बताओ। पूरा खाऊंगा। आ रहा हूँ को भूख लगी है, अभी तक का सफ़र वो पैदल ही यहाँ तक आया हुआ है। के जंगल में देखिए आग लगी हुई है, अभी आधे पेड़ यहाँ जले हुए हैं। देखिए ये सारा आधा जला हुआ पेड़ है। उस तरफ देखिए आप जले हुए जंगल और उस तरफ भी आग लगी हुई है आजकल, इसलिए मौसम थोड़ा साफ नहीं है। आ रहा थोड़ा थक गया और अब मैं उसे कंधे में ले जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं तो थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ऊपर चढ़ते समय। जय कन्हैया लाल की। अभी मैं आरव के लिए घोड़ा बना हुआ हूँ, देखिए आप लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। आरव बोलो टिक टिक घोड़ा। आरव ने करीब आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग की और अब वो भी थक चुका है। मैं उसे कंधे में लेके जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और अभी लगातार ऊपर की तरफ चढ़ाई है। आगे की तरफ काफ़ी स्ट्रेट चढ़ाई है, अभी देख सकते हैं आप बड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से और हम लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये इस ट्रैक की काफ़ी मुश्किल चढ़ाई है और इसे हम पार कर रहे हैं।
आरव को नींद आ रही है। अगर आप इस ट्रैक पे आते हैं तो अपने साथ बिस्किट पानी वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि रास्ते में आपको यहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह नहीं मिलेगी। ये हमारे भुवंदा, ये भी काफ़ी थक चुके हैं। बहुत थक गए यार, अब पहले जैसा नहीं रहा वैसा। सामने की तरफ देखिए, सीढ़ियाँ हैं इस ट्रैक पे। कुछ लोग ऊपर से आ रहे हैं ट्रैक करके। हेलो बोलो। गाइस, अभी हम मुश्किल चढ़ाई को पार करके ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से देखिए आप सामने की तरफ, बहुत ही ऑसम नज़ारा और अमेजिंग। यहाँ पे आके थकान काफ़ी हद तक कम हो गई। गाइस, हम मंदिर तक पहुँचने वाले हैं बस, और यहाँ से हल्की सी चढ़ाई और है, उसके बाद जस्ट मंदिर में पहुँचने वाले हैं हम। मंदिर के गेट पर पहुंच गए हैं, सामने की तरफ देखिए, और यहाँ से काफ़ी ऑसम व्यू है। देखिए फाइनली हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं, देखिए सामने की तरफ है मंदिर। गाइज, थोड़ा बहुत यहाँ पे थकाने वाली चढ़ाई ज़रूर है, लेकिन अगर आप बदलगढ़ी टेम्पल आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी शांति है, और यहाँ पे आप आके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। बदलगढ़ी आप ज़रूर आइए। देखिए ये है माँ बदलगढ़ी का टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत और ऑसम। जय माँ बताड़गढ़ी। हम पहुंच चुके हैं बदलगढ़ी टेम्पल, सामने की तरफ देखिए ये मेन टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग नज़ारा है। तो गोंदा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। थक गए हैं क्या? नहीं, अभी तो थकान नहीं है अभी। देखिए यहाँ पे आशीष भाई। हेलो गाइस, हमारे साथ कुछ गरुड से आए हैं हमारे भाई। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पे देखिए मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत। अभी शाम के बजे हैं 3।
गाइस यहाँ पे देखिए हम मैगी बनाने के लिए आग वगैरह जला रहे हैं। ये मंदिर के पास में अभी हम भुवनदा हमारे आग जला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आग जल चुकी है। हम पहले चाय बनाएंगे, उसके बाद इसमें मैगी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए चाय बन रही है। यहाँ पर देखिए आप चाय बन गई है। गाइस हम मैगी में मेथी डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये मेथी, पहाड़ी मेथी है ये। देखिए इसमें मेथी डाल दी गई है। गाइस अभी हम जा रहे हैं पानी लेने। मंदिर से जस्ट नीचे की तरफ पानी है, यहाँ पे है पानी। देखिए यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो यहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता है। हमने यहाँ पे देखिए बड़ा सा डेक रखा है पानी को स्टोर करने के लिए, तो हम इसी में से यूज़ करेंगे पानी। गाइस हमने पानी भर लिया और हम अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए हम सूपी मैगी बना रहे हैं, थोड़ा सूप वाली, काफ़ी खुशबूदार। इसे हम बिना ऑयल के बना रहे हैं, सिंपल मैगी है और इसमें हमने मेथी ऐड की है। इसके बाद हम इसमें धनिया भी डालेंगे। देखिए यहाँ पर धनिया काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए हल्की आंच में मैगी पक रही है। मैगी तैयार है सर्व करने के लिए, अभी सर्व की जा रही है मैगी। और ये है चाय का फ्लास्क, चाय निकालेंगे। बहुत ही शानदार गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय के साथ मैगी, तो बात ही क्या है। देखिए मेरे पीछे की तरफ कुछ डॉगी हैं हमारे साथ, इनको मैं खिला रहा हूँ बन। ये देखिए खाओ। गाइस यहाँ पे मैं कुछ मैगी डॉगी इसको भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक सुंदर सी बिल्ली भी आ गई है, तो इसको भी मैं थोड़ा बन खिला रहा हूँ। देखिए खाती है नहीं खाती है, खा रही है बिल्ली। आप अपने साथ साथ जानवरों का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे खाने की चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं। यहाँ पे जंगल में कुछ भी नहीं है, इन जानवरों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। बेजुबान ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी समझदार हैं। नेचर और जानवरों के साथ आप अपना रिश्ता ज़रूर रखें। देखिए प्यारी सी बिल्ली है यहाँ पे, अभी इसको मैंने बन खिला दिया है और भूख लगी है। आ जाओ। मैगी तैयार है यहाँ पे, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ गर्मा गर्म मैगी। काफ़ी लाजवाब और टेस्टी है। बंदा को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अभी सब खाने में बिजी हैं। और ये है गर्मा गर्म चाय। गाइस हम यहाँ से पूरा अपना जो सामान था पूरा वापस ले जा रहे हैं, और हमने यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लासेस और प्लेट्स यूज़ नहीं किए हैं। हम घर से ही अपने प्लेट्स वगैरह लाए हैं ताकि नेचर नीट एंड क्लीन रहे, और यहाँ पे हमने कोई गंदगी नहीं मचाई है। अभी मंदिर में मेरे साथ एक छोटा सा डॉगी है, देखिए काफ़ी सुंदर। गाइस हम फाइनली नीचे उतर गए हैं पदानगढ़ी चौक पे, और यहाँ से हम गाड़ी में वापस जाएंगे करूड़ के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन गाइड।